भगवान विष्णु जी की, गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं और ऐसे इस प्रकार से स्तूपा बने हुए मिल जाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्टेबल जंगी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। तो दोस्तों, अभी मैं हूं श्रीलंका के एक और प्रसिद्ध शहर कैंडी में। आज मैं आपको घुमाऊंगा कैंडी के कुछ और प्रमुख पर्यटक स्थल, जिसमें सबसे पहले मैं आपको घुमाने लेके चलूंगा कैंडी लेक। कैंडी लेक हमारे यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब अपने हॉस्टल से निकलिए, आप लेफ्ट मुड़िए, चार कदम बाद फिर लेफ्ट मुड़ जाइए, फिर सीधे चलते जाइए, कैंडी लेक आ जाएगा। शायद ये देख सकते हैं आप इधर की ओर, यही है दोस्तों श्रीलंका के कैंडी की कैंडी लेक। लेक के ऐसे किनारे किनारे इधर की ओर देख सकते हैं, पूरा ऐसे बना हुआ है, आप यहाँ पे विचरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लेक जो है ना, एकदम ऐसी दिख रही है जैसे अपने भोपाल की अपर लेक है ना, वैसे ही साइड साइड में चलने के लिए बनाया गया है। बीच में थोड़ी वो मस्जिद टाइप की है, तो यहाँ मस्जिद तो नहीं है, ये छोटा सा वो है, वो देखिए टापू बना हुआ है, और बाकी साइड में किनारे किनारे चलने के लिए बना हुआ है, लोग चल रहे हैं। जैसे आप लेक की इधर आगे चलते जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बाइक में दिखाता हूँ। और यहाँ पे इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अंदर पानी है यार, पता नहीं क्या है, अंदर पानी है कुछ, और इसमें शायद हाँ वहाँ से कुछ स्टील पैलेस है। और आगे इधर से ना व्यू बहुत अच्छा आता है, मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ इधर से, इधर की ओर जाएंगे ना तो यहाँ से व्यू अच्छा आएगा आपको। ओह, ये देखिए यहाँ से ना पूरा लेक का व्यू दिखेगा आपको, ये देखिए गर्दा गुरु। यहाँ पे ना आप आराम से बैठ सकते हैं, बैठ के ये जो जगह है ना दोस्तों, ये जो जगह है ना, चश्मा लगा लूँ फिर बता दूँ आप, चकाचक लग रहा है। ये जो जगह है ना मित्रों, लेक के ऊपर ही बनी है, यहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना, अरे यार बहुत बड़ा वो कीड़ा निकला यार, वो कछुआ बहुत बड़ा हो, उसे अटैक करेगा लगता है, तो यहाँ पे बैठ के आप अपना इंजॉयमेंट, यहाँ पे बैठ के आप अपना रिलैक्स फरमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे बहुत बड़े कछुए हैं, तो मैं नहीं बोलूँगा बैठे, ऐसे बोल रहा है, ऐसे अटैक कर रहा है। यही है कैंडी की कैंडी लेक, बाकी लेक में कुछ नहीं है, बस यही है, बड़े बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं यार, बड़े बड़े वो कहा कहते हैं उसको, पॉपअप से जो करते हैं वो कछुए, ठीक ना। और बाकी बोट वगैरह तो चल नहीं रही अभी, तो नहीं तो बोट पर बैठते हैं, बाकी ये देख लीजिए यही है। और यहाँ पे घूमने आए कैंडी लेक, तो जब लास्ट छोरे पे आ जाएंगे आप, तो यहाँ से इधर की ओर देख सकते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल जाएंगे तो यहाँ पे फूल वगैरह की दुकानें हैं, यहाँ पे फूल ले सकते हैं। फूल के चार्जेस छोटा वाला होता है 200 होता है। अच्छा, बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला 500 का होता है। फूल का चार्जेस छोटा वाला लेते हैं 200, और बड़ा वाला लेते हैं तो 500 श्रीलंकन रुपीज़ पड़ेगा। चलिए फटाफट यहाँ से फूल वगैरह आप चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं, और अभी हम इधर की ओर आपको लेके चलते हैं इस बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर, जिसका नाम है टू टेम्पल बताया उन्होंने। चलिए अब लेके चलते हैं हम अंदर। मंदिर में जाने के पहले हमें इस गेट से गुजरना पड़ेगा, यहाँ पे गेट पे आपकी टेम्परेचर चेक होगी, और उसके बाद आगे हम मंदिर में जा सकते हैं नहीं वो डिसाइड होगा। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर में। मंदिर के अंदर पर एंट्री करेंगे तो वहाँ से आप सुरक्षा जाँच वगैरह कराएंगे, उसमें यहाँ से अपने यहाँ पे जूते वगैरह उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप
टिकट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस आप अगर थाईलैंड म्यांमार के हैं, चार कंट्री के मेंबर हैं, तो आपको 1000 श्रीलंकन रुपीस लगेगा। भारतीय मुद्रा में करेंगे तो वही 400 क्रॉस। और अगर आप बाहर फॉरेन कंट्री के मेंबर हैं या फॉरेन कंट्री के सिटीजन से यूरोप अमेरिका के, तो आपको 1500 श्रीलंकन रुपीज़ का आपको टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट आप यहाँ पे इस प्रकार ये मशीन लगी हुई है, इस प्रकार आप ये मशीन से आप सेल्फ टिकट प्रिंट कर सकते हैं। अगर मशीन से आप टिकट नहीं लेना चाहते तो उधर काउंटर है, आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट टिकट हम ले लेते हैं, और टिकट लेने के बाद हम चलते हैं आपको मंदिर घुमा। जैसे आप कैंडी लेक घूम लेंगे, उसके बगल में ऐसे मुड़ेंगे तो यहाँ पे आपका चेक पोस्ट पॉइंट आ जाएगा। वहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की फ़ोटो देखेंगे, या ओरिजिनल पासपोर्ट है तो ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाइए, अगर ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट की फ़ोटो दिखाइए। उसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपका शूज स्टैंड है, वहाँ पे आप अपना जूता रखेंगे। जूता रखने के बाद आपको ऐसे टोकन दे देंगे, वो टोकन देने के बाद यहाँ से सीधा चल के आएंगे तो आपको आपको यहाँ पे इस प्रकार इधर की ओर आगे जाएंगे तो मंदिर की ओर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप मंदिर के अंदर आएंगे, आपको बहुत सारे छोटे छोटे भगवान विष्णु जी की, गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं और ऐसे इस प्रकार से स्तूपा बने हुए मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है मंदिर परिसर, इस मंदिर परिसर को घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छा है मंदिर, क्योंकि काफ़ी सारे भीड़ भाड़, मतलब काफ़ी सारा शांति पहले था, तो वहाँ पे हमने बात करना उचित नहीं समझा आप लोगों से, लेकिन हमने आपको जितना भी कैमरे में अंदर पूरे मंदिर का कवर हो सका उतना हमने आपको दिखाया। आशा करता हूँ आपने देखा होगा। और अभी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, तो हम ये लकड़ी का बना हुआ, हम यहाँ पर आके थोड़ा रुक गए हैं, बारिश बंद हो गई। यहाँ तुरंत बारिश आती है 5-10 मिनट के लिए, एकदम बहुत तेज़ बारिश होने लगी फिर बंद हो जाती है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे लकड़ी का, यहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम किया, और विश्राम करने के पश्चात अब हल्की हल्की फिर से धूप निकलने लगी है, तो हम आगे जाते हैं। अच्छा टेंपल है, पाए तो बहुत बड़ा ही टेंपल, पर से कम
एक किलोमीटर में ही फैला हुआ है पूरा टेंपल अराउंड है। इसके अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे आपको यहाँ के ऐतिहासिक हिस्टोरियल पैलेस, हिस्टोरियल साइट आपको इस मंदिर इधर की जो मंदिर इसके अंदर जाएंगे तो पुराने ज़माने के आपके सोने पीतल के बहुत सारे आकृतियाँ वगैरह काफ़ी सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब बचा है सिर्फ म्यूजियम, तो अभी इधर की ओर जाके अभी आपको म्यूजियम दिखाएंगे, ठीक है। और समय बच गए हैं कितना, 2:23, इसलिए करें आप एक दिन आएंगे तो एक दिन कैंडी में रुकिए, आप कैंडी लेक घूमिए, ये मंदिर घूमें कम से कम आपको 3-4 घंटे लगेगा क्योंकि आराम से बहुत बड़ा पूरे 1 या 2 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है मंदिर। इसके अंदर गार्डन बहुत सारा, मंदिर हिस्टोरियल पैलेस सब कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब चलिए हम इधर से फटाफट उधर चलते हैं, अगर म्यूजियम दिखाते हैं आपको, अगर म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड हुआ तो, और उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर, बने रहिए। मज़ा वजा आ रहा है कि नहीं, अब जो है वही दिखा रहे हैं, अब क्या करें, ठीक है। इधर की ओर देख सकते हैं यहाँ पे, उधर की ओर दीपमाला है, दीपमालाएँ लोग जला रहे हैं। बाकी मेन जो मंदिर है ना, उस मेन जो मंदिर इधर इसके अंदर जो दिख रहा है पीला कलर का गुम्बद, इसके अंदर मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। सब भगवान विष्णु के ही अवतार गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएँ हैं, और काफ़ी सारे हिस्टोरियल पैलेस, भाला ओला झंडा वगैरह, काफ़ी सारा अच्छा कुछ आपको देखने मिल जाएगा, मज़ा आएगा। आइए और देखिए, पूरा मंदिर घूम के आएंगे तो सामने इधर की ओर ये म्यूजियम है, और म्यूजियम के अंदर आप ये म्यूजियम को देख लीजिए, और म्यूजियम के अंदर ही प्रवेश करते, सबसे अच्छी बात देखिए यहाँ पे लिखा है इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टैचू लिखा हुआ है, मैं आपको बैक के अंदर दिखा देता हूँ, और ऊपर गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा बनी है। ये लोग जैसे कि म्यूजियम देखने आएंगे, तो म्यूजियम अगर देखने आ पाते हैं तो आपको यहाँ पे 500 श्रीलंकन रुपीज़ का आपको टिकट लेना पड़ेगा, और म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे देख के। मैंने बोला जब वीडियोग्राफी नहीं है तो क्या करेंगे देख के, आपको देखना होगा तो आप आके देख लीजिए, तो वीडियोग्राफी कैमरा अलाउड नहीं है तो भाई क्या करेंगे देख के, सही बात है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल म्यूजियम, ये देखिए कैंडी नेशनल म्यूजियम, और इधर की ओर ये म्यूजियम है। ये आप फटाफट घुमा गए हैं, और अभी पहन रहे हैं अपने यहाँ से जूता, और जूता फटाफट पहनते हैं और फिर चलते हैं। तो भैया लोग जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम इस श्रीलंका के कैंडी के सबसे प्रसिद्ध 200 साल पुराने पारंपरिक टूथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा मंदिर का पूरा परिसर घूम के, और म्यूज के पीछे का म्यूजियम वगैरह सब घुमा के वापस आ चुके हैं, और अब समय बच गए हैं 3, और अब हम थोड़ा कुछ भोजन करने जाना है। भोजन करने के लिए आप जैसे ही आप ये कैंडी लेक, इधर कैंडी लेक घूमेंगे ना, आप इधर से आएंगे, इधर सीधे जाएंगे तो लेफ्ट में आपका हॉस्टल था, और उधर से जैसे आप आएंगे ना तो यहाँ से अपने राइट में मुड़ जाएंगे तो यहाँ पे कृष्णा करके, कृष्णा डोसा करके रेस्टोरेंट है, जो हमें जो हमने जाते वक्त में देखा था, तो अभी उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ से हम कुछ भोजन वगैरह करेंगे, क्या क्या मिलता है, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो दोस्तों भोजन करने के लिए हम आ गए हैं इस कैंडी, ये कैंडी लेक के पास सबसे अच्छा और सबसे अच्छा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कृष्णा डोसा सेंटर। ये सबसे पहले मैं आया था यहाँ पे, उन्होंने पानी दिया है मुझे, ये गर्म पानी है, गर्म पानी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप गर्म पानी पिए। और उसके बाद इन्होंने दिया मुझे मेनू, मैं मेनू दिखा देता हूँ, आप मेनू देखिए। जैसा कि हमने मंगाया है
तो देख सकते जैसा कि हमने कृष्णा डोसा सेंटर हमने मंगाया था मसाला डोसा में देखा छोले की सब्जी आई है। यहाँ का डोसा थोड़ा अपने यहाँ से अलग होता है लेकिन काफ़ी अच्छा होता है, अपने यहाँ बहुत मसाला वाला सांभर होता है लेकिन यहाँ पे देखिए छोले की सब्जी और ये दाल का सांभर बोलते हैं, दाल के सांभर और नारियल की चटनी। ये देखिए फटाफट, चलिए फटाफट खा लेते हैं। डोसा सेंटर के मैनेजर हैं, आप आइए तो इनसे मिलिए, बहुत अच्छा है, इनका नेचर है। आप अगर कैंडी आ रहे हैं अगर प्योर वेज मसाला डोसा 300 से 400 रुपीज़ का है, देखिए मिलता है। एकदम काले बादल आ गए ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है। तो भैया जैसा देख सकते हैं अभी हम कृष्णा डोसा सेंटर में अपना डोसा खा लिया है। जितना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो ये वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का श्रीलंका के कैंडी शहर के कैंडी लेक और टू था बुद्धा टेम्पल का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब अगली वीडियो में एक और नई जगह साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। शहर की ओर देखेंगे आप तो यहाँ से नीचे की ओर यहाँ से पूरा कैंडी शहर का नज़ारा दिखता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। तो आप अगर यहाँ पे इस कैंडी आ रहे हैं तो जैसे बिग बुद्धा टेम्पल जो पहाड़ी पे है वो ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ से पूरा कैंडी का नज़ारा दिखता है। इधर की ओर देख सकते हैं पूरा स्टेडियम है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है, कोई बात नहीं, चलिए फिर भी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस प्रकार यहाँ पे भाई साहब जो ऑटो वाले भैया उन्होंने बताया कि आप देख के जाएँ कीड़े हैं, अगर आपके उसमें लग गए तो खून जो पीते हैं ना वो कीड़े हैं, तो कीड़ों से बच के जाएँ। तो इस प्रकार ये रास्ता है, आगे देख लीजिए।